महिलाओं पर अत्याचार करता है, महिलाओं का शोषण करता है, महिलाओं के प्रति हिंसा का भाव रखता है, वह कुष्ठ रोगी होता है और अजगर इत्यादि की योनियों में जाता है। जो धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं और पंक्ति भेद करते हैं, मित्र भेद करते हैं, ऐसे प्राणी जो है उल्लू की योनि में जाते हैं, या जो उल्लू इत्यादि जैसे दूसरे अन्य पक्षी रहते हैं उनकी योनियों में जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है वह ओष्ट रहित होता है, हकला होता है। हिंसा, लूट पाट, चोरी इत्यादि के कर्म करने वाले कसाई के घर के बकरे बनते हैं। जो माता पिता भाई बहन के साथ भेद रखता है, इनके साथ दुश्मनी रखता है, वह व्यक्ति जो है दूसरे जन्म में गर्भ में पैदा होता है और गर्भ में ही मर जाता है। जो अपने सम्मानी व्यक्ति जो अपने गुरुजनों के प्रति अपमानजनक बात कहते हैं, वह जो है वह ब्रह्म राक्षस बनता है। जो गर्भपात करते हैं, जो स्त्रियों की हत्या करते हैं, जो बालकों की हत्या करते हैं, जो मूर्ख होते हैं, कुबड़े होते हैं, भिल्ल होते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं, ऐसे बहुत सारे पाप कर्म हैं, ऐसे बहुत सारे निषिद्ध आचरण हैं जिनसे व्यक्ति को बचना चाहिए, ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार की कई योनियों में, कई प्रकार के नरकों में व्यक्ति जाता है, भटकता है, पाप कर्मों के फल को भोगता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, लेकिन जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए व्यक्ति ने अपने जीवन में यदि कोई पाप कर्म जानकारी या अनजाने में कर दिए हो तो उस व्यक्ति को भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेंगे, भगवान का भजन करेंगे, उतना ही आप अपने पापों को कम करेंगे, अपने पापों को नष्ट करेंगे। इसलिए भगवान नाम का सहारा व्यक्ति को संसार से, नरकों से, समस्त प्रकार की दुर्गतियों से बचा लेता है और उत्तम लोगों की ओर लेकर जाता है।